हेलो बच्चा लोग, टुडे अगेन बैक विद शॉर्टकट। आई थिंक एवरीबडी मस्ट हैव सीन लास्ट टाइम का वीडियो वेर वी शोड यू हाउ टू डू विद टेबल्स। टुडे वी विल गो विद मल्टीप्लीकेशन का शॉर्टकट सीखते हैं कि हाउ टू डू मल्टीप्लीकेशन में शॉर्टकट्स कैसे यूज करने का है। तो टुडे इन दिस वीडियो वी विल बी डूइंग ओनली टू डिजिट का मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करने के पहला विल गो विद दिस स्क्वायर 11 स्क्वायर 11 स्क्वायर इज 11 इंटू 11, इसका आंसर कैसा है। देन व्हाट इज 12 स्क्वायर, व्हाट इज 13 स्क्वायर, व्हाट इज 14 स्क्वायर, 15 स्क्वायर, 16 स्क्वायर, 17 स्क्वायर, 18 स्क्वायर, 19 स्क्वायर एंड द 20 स्क्वायर। फर्स्ट हम लोग स्क्वायर्स करते हैं, हाउ टू गो विथ योर स्क्वायर शॉर्टकट मेथड, ठीक है। आपको बाहर रहेगा तो वेल एंड गुड, अदरवाइज शॉर्टकट कैसा करने का, दैट इज 12 इंटू 12, 13 इंटू 13, दिस इज 14 इंटू 14, दिस इज 15 इंटू 15। स्क्वायर मतलब दो बार, एक एक टर्म्स दो बार मल्टीप्लाई करने का। नाउ दिस इज 17 इंटू 17, दिस इज 18 इंटू 18। नाउ चेक विथ शॉर्टकट फॉर दिस 20 तक का, एक 20 तक का मतलब 11 से लेकर 20 तक का एक स्टाइल बताऊंगा, फिर बाद में का सब नंबर्स के लिए एक सिंगल स्टाइल। वेरी सिंपल, सी स्टार्ट करता हूं। ये लास्ट नंबर, ये लास्ट नंबर, 1 1 1 लिखने का, फिर ये फुल 11 है ना, 1 के साथ ऐड करने का, 11 प्लस 1 12 हो गया, नहीं समझा। यहां पे देखो वापस 2 2 जा, लास्ट में लिखो 4 एंड देन ये 12 इसके साथ ऐड करेगा, 12 प्लस 2 इज हाउ मच 14, दिस इज हाउ यू डू। अदरवाइज यहां पे देखो 3 3 जा 9, 13 प्लस 3 इज कितना 16, ये 4 4 जा, अभी यहां पे देखो 4 4 जा कितना होता है 16, तो कैरिड कितना होता है 1 1, यहां पे रख दो, दिस इज ओवर 1 एंड देन दिस 14 प्लस 4 होता है तुम्हारा 18 एंड दिस कैरिड 1 था ना बच्चा, तो वो हो गया 18 प्लस 1 इज 19 दिस वे। सेम ये बाद में बताता हूं आपको, 15 बाद में, ठीक है। नाउ वी गो विद 16, ये 6 6 6 जा 36 कैरिड 3, 16 प्लस 6 होता है 22 प्लस 3 दैट इज 25। सेम 7 7 जा 49 कैरिड 4, 17 प्लस 7 18 19 20 21 22 23 24 24 और ये 4 दैट इज 28। सेम 8 8 जा 64 6 18 प्लस 8 होता है तुम्हारा कितना 32, 18 प्लस 8 18 19 20 21 22 23 24 25 26 सो 26 और ये 6 टोटली होगा कितना बच्चा, दैट इज 32। सेम 9 9 जा 81 कैरिड 8, 19 प्लस 9 19 20 21 19 प्लस 9 सिंपल है, 19 प्लस 10 कितना होता है 29, उसे कम करो 28 प्लस दिस 8 दैट इज इक्वल टू 361 एंड दिस इज सो सिंपल, ये 400। अभी मैंने 15 छोड़ दिया, दिस इज 15 स्क्वायर या लाइक 25 स्क्वायर, इसके लिए एक सिंगल मेथड 35 स्क्वायर 45 स्क्वायर यानी एनी स्क्वायर्स, ओके, मतलब लास्ट में कंपलसरी 5 है या लाइक 65 स्क्वायर। वेरी सिंपल बच्चा लोगे स्क्वायर्स निकालना, व्हाट इज 15 स्क्वायर, तो लास्ट में 15 स्क्वायर तो लास्ट में लिखने का 25, सब में कंपलसरी 25 ही आता है, तो दिस इज 25 दिस इज 25 यहां पे भी आ जाएगा दिस इज 25। अभी आप किसका स्क्वायर कर रहे हो बच्चा लोग, दैट इज 15 स्क्वायर, 15 स्क्वायर मतलब 15 इंटू क्या होता है 15, दैट्स वेरी सिंपल। यहां पे क्या है 1 है ना, 1 के बाद क्या आता है 2, तो 1 2 जा 2 हो गया ये आंसर। सेम यहां पे 2 है ना, तो 2 के बाद कौन आता है 3, 2 3 जा 6, ये इधर 3 है, 3 के बाद क्या आता है 4, तो 3 4 जा 12, दिस इज आंसर। 4 है, 4 के बाद क्या आता है 5, 4 5 जा 20, ये 6 है, 6 के बाद क्या आता है 7, 6 7 जा 42, तो कोई भी स्क्वायर दैट इज लास्ट में 5 है तो यू शुड डू दिस वे, ये 11 स्क्वायर से 20 स्क्वायर तक, दिस इज योर शॉर्टकट। नाउ चेक एवरीबडी ओवर, अभी मैंने आपको 11 से 20 तक बताया, नाउ सपोज आपको आ गया 22 स्क्वायर, नाउ चेक दिस इज 22 स्क्वायर मतलब 22 इंटू 22, नाउ यू टू 22 स्क्वायर, चेक पहला फर्स्ट टर्म के साथ लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करो, ना ये 2 2 जा 4, फिर ये भी 2 2 जा 4, ये ऐसा लिखने का, ठीक है। अगेन आई रिपीट, ये 2 2 जा 4 एंड सेकेंड के साथ 2 2 जा 4, देन व्हाट यू डू ओवर हियर सिंपल, ये इधर 2 2 जा 4 2 2 जा 4 और ये रेड वाला ऐड करने का, सो ये आंसर इज 484 हो गया।
नाउ सपोज और एक करते हैं, विल डू वन मोर, सपोज दिस इज 23 into 23, सेम करो, ये 3 3 9, 2 2 4, देन डू द सेम थिंग ओवर हियर, ये 2 3 6 एंड 3 2 6, 6 + 6 कितना आता है बच्चा, 12 आता है ना, तो 2 इधर लिखने का और एक 1 है ना इसको ऐड करने का, सो दैट विल बी 529, दैट इज 23 स्क्वायर। तो यू कैन डू मल्टीप्लीकेशन फॉर एनी बडी, लाइक सपोज नेक्स्ट और एक लेते हैं, दिस इज 27 into 27, तो ये 7 7 49, 4 कैरिड है यहाँ पे, एंड दिस इज 2 2 क्या हो जाएगा, दिस इज 4, ठीक है। नाउ गो विद दिस वन ओवर हियर, ठीक है, व्हाट यू गेट ओवर हियर, दिस इज ही, आई चेंज द कलर, समझ में आ गया, यहाँ पे एक ही था 3 3 9, अभी एक कैरिड यहाँ पे लिखेगा, 2 7 दिस इज 14, 2 7 14, 14 + 14 होता है 28, और ये 4 ऐड होएगा 29 30 31 32, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा और 3 वापस ऐड हो जाएगा, सो द आंसर इज 729। सो एनी स्क्वायर्स यू कैन डू दिस वे। नाउ सपोज इफ यू डू वन मोर, 32 into 32, देखो अगर आप प्रैक्टिस करोगे यू डू इट वेरी फास्ट, 2 2 4, 3 3 9, 3 2 6, 3 2 6, 6 + 6 12, कैरिड 1, तो यहां पे आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 10 2 4 दिस वे। या लाइक इफ यू गो विथ 43 into 43, एनीथिंग, 3 3 9, 4 4 16, 4 3 12, 4 3 12, 4 यहां पे आएगा, 12 + 12 = 24, यहां पे 2 ऐड हो जाएगा, तो दिस इज 1 8 4 9। सो एनी स्क्वायर्स यू कैन डू, या कोई नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करते हो ना आप लोग, लाइक नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करो 22 into 23, सो यू डू दिस वे सेम, 3 2 6, 2 2 4, 2 3 6, 2 2 4, कितना हो गया 10 ना, एक ऐड करो यहां पे, सो ये आंसर इज 506। एनीथिंग लाइक 43 into 62, ये 2 3 दिस इज 2 3 6, 4 6 24, ये 4 2 8, 3 6 18, 18 + 8 18, 19 20 21 22 23 24 25 26, तो 6 यहां पे लिखने का, 2 ऐड होएगा, ये 6 as it is, ये ऐड होता है तो 2 6 6 6, दिस वे यू कैन डू। या लाइक बड़ा नंबर लो लोगे, इफ यू टेक अ बिग नंबर 62 into 23, सेम 6 2 12, 2 3 6, स्पेस छोड़ दो यहां पे, 6 3 18, 2 2 4, 18 + 4 = 22, 2 इधर + 2 इधर, दिस इज 6 2, 12 + 2 = 14, दिस वे यू कैन डू एनी मल्टीप्लीकेशन। या लाइक दोनों भी बड़ा बड़ा नंबर्स लेते हैं हम लोग, इफ यू टेक ओवर हियर, दिस इज 52 into 63, ये 3 2 6, 5 6 30, डू दिस, 5 3 15, 6 2 12, 27 ना, तो 7 2 इधर ऐड होएगा, 3 2 7 6, एनी नंबर्स। क्या करते हैं हम लोग, एक बड़ा सा नंबर लेते हैं, विल टेक अ बिग नंबर, लाइक विल टेक ओवर 74 into 69, चलो ये लेते हैं, सेम लास्ट वाले के साथ, 9 4 दिस इज 4 9 36, कैरिड 3 है, ठीक है, 7 6 दिस इज 42, दिस इज ओवर हियर, अभी सेम 7 9 63, 4 6 24, ये ऐड करो, 4 + 3 दैट इज 7, 6 7 कितना हो गया, 6 7 8 87, और ये 3 भी ऐड होएगा दैट इज 90, तो 0 यहां पे लिखेगा और 9 यहां पे लिखेगा, वो ऐड होएगा, सो दिस इज 6 0 9 10 11, दिस इज कैरिड 1 and this is 5, so what you get your answer, that is 5 1 0 6। now aur ek bada number lete hain, we'll take that is 87 into 92, abhi same chalo aap log try karega, 7 2 14, carried 1, 8 9 72, ye idhar ye same, 8 2 banega 16, 7 9 this is 63, 6 + 3 = 9, 6 + 1 = 7, 79 और ऐड हो गया 80, दैट इज 8 इधर आ जाएगा, एंड व्हाट यू गेट ओवर हियर, दिस इज 4 0 8 9 10
दैट इज 0 कैरिड 1 दिस इज 8 तो ये आंसर इज 8 0 0 4 सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू मल्टीप्लिकेशन एक वापस ब्रीफली बोलता हूं चलो एवरीबॉडी इफ यू आर डूइंग दिस बच्चा लोग तो सबसे पहला दैट इज ये दैट इज वी डू दिस वन ये मल्टीप्लिकेशन 4 6 जा इधर आता है 24 फिर ये 3 2 जा दिस इज ओवर 6 ये नीचे ब्लैक कलर मल्टीप्लिकेशन फिर रेड कलर ये 4 2 जा 8 3 6 जा 18 ये और ये ऐड होता है एंड देन वी राइट ओवर ये दैट इज 18 प्लस 8 इज 26 6 इधर प्लस 2 इधर एंड दिस इज व्हाट वी गेट थोड़ा सा प्रैक्टिस करो व्हेन यू प्रैक्टिस तो ही मल्टीप्लिकेशन का शॉर्टकट आपको यू कैन डू इट वेरी आराम से आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड विद द शॉर्टकट फॉर मल्टीप्लीकेशन दिस इज बट ओनली 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन बाकी का विल कम विद सम अदर वीडियोज दैट इज 3 डिजिट्स या अदर जो भी है नेक्स्ट वीडियो में मे बी आई शो यू हाउ टू फाइंड आउट एलसीएम विद शॉर्टकट मेथड तो एवरीबडी खुद भी पढ़ो दूसरों को भी पढ़ने दो तो दूसरों को भी बताओ कि हाउ टू डू मल्टीप्लीकेशन इज शॉर्टकट मेथड आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड विद टूडे का वीडियोज विद शॉर्टकट मेथड सो इन द नेक्स्ट वीडियो विल कम विद समथिंग एल्स टिल देन बाय चलो बाय बाय टाटा एंड टेक केयर